1972 में पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें गलती से किसी इंसान को $10 मिलियन मिल सकते हैं। हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना, $10 मिलियन यानी लगभग 75 करोड़ रुपए। लेकिन कैसे? दरअसल 1978 में कनाडा के नॉर्थ वेस्ट में किसी बंजर इलाके में सोवियत कॉस्मोस 954 नाम का एक सैटेलाइट क्रैश हुआ, जिसके न्यूक्लियर रिएक्टर से जमीन के काफी बड़े हिस्से में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल चुका था, जो कि इंसानों और वहां रहने वाले जीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, जिसे साफ करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट को $11 मिलियन का खर्चा आया था। और ऐसे में कनाडा ने 1972 में हुई लायबिलिटी कन्वेंशन का उपयोग किया, जिसकी वजह से $11 मिलियन का सारा खर्चा सोवियत यूनियन को देना पड़ा था, क्योंकि क्रैश होने वाला सैटेलाइट उनके देश का था। ऐसे में अगर किसी भी देश का सैटेलाइट आपके घर के ऊपर गिरता है तो उस देश की गवर्नमेंट आपको $10 मिलियन मुआवजे के रूप में देगी, और यही है लायबिलिटी कन्वेंशन 1972। अब पता नहीं ये अफवाह कौन फैला रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि चाइना के सारे सैटेलाइट उनके देश में गिर जाए।